देखिए ये पैसेंजर है और ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बैग भी अच्छी है, कुछ पैसा वैसा तो होगा, जूता भी अच्छा पहने हैं, कोठी भी है, घड़ी भी होगी, चेन भी होगी इनके पास। तो मैंने इनको अभी चॉकलेट दिया है, भाई साहब चॉकलेट खाइए। अरे खाइए, नहीं खाइए, ये बोल रहे नो थैंक्स, मतलब फंसने वाले नहीं। तो मैं चॉकलेट अपने जेब में रख लेता हूँ, उनको फंसाना है, इनको बेहोश भी करना है, फंसाएंगे तब तो बेहोश करेंगे ना। अरे इनके पास पानी की बोतल है, भाई साहब पानी की बोतल थोड़ी पी सकता हूँ मैं पानी? आप तो ये पानी की बोतल ये मेरे सामने सीट पे बैठे हुए हैं, ये हमारे सामने वाले सीट पे बैठे हैं और मैं अभी इनसे पानी की बोतल लूंगा। भाई साहब पानी की बोतल थोड़ी प्यास कर रही है, ये पानी की बोतल तो देनी पड़ेगा, ठीक है? अभी इनको बेहोश कर दूंगा मैं, ठीक है? ये पानी की बोतल मैंने खोल ली इनके सामने, भाई साहब कहाँ तक जाएंगे? दिवाली तक जाएंगे इनसे बात करो। ये जो देखो ढक्कन, ये इसमें इस वाली में केमिकल है, केमिकल इसमें केमिकल है इस वाली में, और इनसे बात कर रहा हूँ। पानी भी पी लिया और धीरे से इधर पीछे में डाल दिया, हो गया केमिकल आ गया, ठीक है? तो ठीक है, और इसको मैंने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, और बंद करने पर इसको ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ? केमिकल मिल गया, तो मिल गया ना, राइट? अब उसके बाद इनको मैं पानी दे दिया, अब ये थोड़ी देर के बाद पानी पिएंगे, पिएंगे तो पिएंगे ना, उसके बाद क्या होगा इनके साथ? ये बेहोश हो जाएंगे, और जब बेहोश हो जाएंगे तो उनके सारे सामान को लेके मैं रघु चक्कर हो जाऊंगा। धन्यवाद। तो ये आप मेरी बात समझ रहे हो? किसी का दिया हुआ कोई भी सामान, ये डेमो जो मैंने आपको दिखाया है, ये हकीकत घटनाएं हैं जो ट्रेनों में हम लोगों ने आरपीएफ के साथ कई लोगों को पकड़ा है, और ऐसी घटना रेगुलर होती है। इसलिए आप कोई अगर प्यासा हो उसको पानी की बोतल मांगता उसको दे दे, अगर कोशिश हो तो ना ले वापस, हो सकता है उसमें भी इसी प्रकार से कोई आदमी कुछ मिला दे और आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान ना खाएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती भी ना करें, और जब कोई व्यक्ति आपका अपना जहर कुरानी नशा कुरानी का शिकार हो जाता है, उस व्यक्ति की हालत एक मरे हुए व्यक्ति से ही बदतर हो जाती है। इसलिए आपसे बार बार हम केंद्रीय रैली चला रहे हैं और आपसे अपील करने आए हैं आरपीएफ की तरफ से कि आप भी जब भी ट्रेन में यात्रा करें तो सावधान रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान ना खाएं, किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती भी ना करें। साथ ही आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर 182 संकट मोचन नंबर आप अपने मोबाइल में जरूर सेव रखें। बिना टिकट यात्रा ना करें, प्लेटफार्म पर ट्रेन को साफ सुथरा रखने में रेल प्रशासन की मदद करें, चेन पुलिंग ना करें, कोई पानी प्रयोग करें, सेल्फी फोटो ना ले, और सावधान रहें, सतर्क रहें, आपकी यात्रा मंगल में।